मोदी सरकार के कामकाज की आलोचना के आरोप के बाद एक छात्र समूह पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर आईआईटी मद्रास विवादों में घिर गया है। संस्थान के कार्यवाहक निदेशक राममूर्ति ने बताया कि आरोपी छात्र संगठन अपनी गतिविधियों के प्रचार के लिए या समर्थन जुटाने के लिए आधिकारिक अनुमति लिए बिना कैंपस में कोई आयोजन नहीं कर सकते। छात्र समूह के अधिकारों को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल पर पलटवार किया। आईआईटी में जो लोकतांत्रिक तरीके से छात्र स्टूडेंट्स काउंसिल का हिस्सा है, वो आईआईटी में स्टूडेंट गतिविधि कैसी हो उसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशनली कुछ गाइडलाइंस बनाती है। ये विषय एक स्वतंत्र शैक्षिक संस्थान का विषय है। इसकी जिम्मेदारी भारत सरकार पर मरना मात्र राजनीति करना है, जो कांग्रेस पार्टी ने की। मेरा इस बात का विश्वास रहा है कि एक लोकतंत्र में अगर वाकई हम चाहते हैं कि शिक्षा देश को सशक्त बनाने का माध्यम बने, तो आप शिक्षा के ऊपर चर्चा कीजिए। आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हम नई शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर आप राजनीति करना चाहते हैं, करें, यह आपका अधिकार है। लेकिन राजनीति करने का मतलब ये नहीं कि आप एक कामकाजी महिला के घर पे आके उसके दरवाजे को जोर जोर से पीटें, उसके बच्चे घर पर अकेले हों और आप अपना जोर दिखाएं। ये लोकतंत्र नहीं हो सकता। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।